हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास रे हमें पढ़ते प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। आज नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़िया, चार नंबर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर। प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर रे फर्स्ट वन बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। By acid hydrolysis of ester. Ester को जब हमें acid catalyst दे जब hydrolysis करे ताले alcohol formation नहीं पड़ेगा। Ester का general formula हो चुका ना R C double bond O R। ये ला ester का general formula मुझे डे alkyl group identify करे मैं डे उटे address लगे दूँचा। Ester। तो इतने जब water दबा इन प्रेजेन्स अफ एन एसिड कैटालीस्ट रिएक्शन कर रिएक्शनटा रिभर्सेबल प्रोसेस हम स्लो प्रोसेस हम तो फॉर्मेशन कौन हे थ्री ए पार्टा आर सी ओ पार्टा एटर ओहेच मिसी कौन हम एसिड हम आर सी डबल बॉन्ड ओ ओहेच एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड टी प्रोड्यूस है सहित ए अल्कोक्सी ग्रुप आउ हाइड्रोजन आर डेस ओहेच ये फॉर्मेशन हम कौन अल्कोहल। एसिड आउ अल्कोहल प्रोड्यूस है तो अभी देखो सपोज इथाइल एसीटेट ने भी मु सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ईस्टर ने कौन दे इथाइल एसीटेट आपको जदि मु हाइड्रोलिसिस करी वाटर देगी इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट ताले प्रोड्यूस कौन हो थ्री एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिटिक एसिड प्लस सी टू एच फाइव ओ एच इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सरला। तो सिंपली जदि आम ईस्टरटा को वाटर दबा हाइड्रोलिसिस करे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट एनी मिनरल एसिड कैटलिस्ट नहीं पारे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताले एसिडिक एसिड एंड सॉरी एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस हबो। ए प्रोसेस को आला रिवर्स एस्टरिफिकेशन को आउछ आकु को आउछ कोन जे रिवर्स एस्टरिफिकेशन इस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन हम पढ़िया अल्कोहल रो केमिकल प्रॉपर्टीज रे पढ़िया इस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस्टरिफिकेशन प्रोसेस रे कौन होची ना एसिड आउ अल्कोहल जब रिएक्ट करिए इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट ताले फॉर्मेशन होचले कौन जे ईस्टर एंड वाटर से प्रोसेस को आउची इस्टरिफिकेशन ईस्टर टी फॉर्मेशन होची एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करले एटा तार जस्ट रिवर्स प्रोसेस ना जो अल्कोहल डा सॉरी एसिड ईस्टर टा रिएक्ट कला वाटर सहित इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट ताले फॉर्मेशन हला एसिड एंड अल्कोहल आपको आउछ रिवर्स एस्टरिफिकेशन। तो एथरे कौन कले आम ईस्टरटा को एसिड कैटालीस्ट प्रेजेन्स हाइड्रोलाइसिस कले जदि सपोज ईस्टरटा को आम गोटे अल्कालाइन दे भी हाइड्रोलाइसिस कर पारिया अल्कालाइन मीडियम रे ताले से प्रोसेस को आउछ सेपोनिफिकेशन प्रोसेस को आउछ सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रे कौन होछ जदि ईस्टर रे गोटे अल्कालाइन दबा ताको हाइड्रोलाइसिस करिया ताले प्रोड्यूस हम कौन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एटा हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आउ अल्कोहल प्रोड्यूस हम ए प्रोसेस को कौन कहा सेपोनिफिकेशन प्रोसेस को कौन पाई ना मोस्टली कौन जे ईस्टर गुड़ा हायर ईस्टर गुड़ा जब आम अल्कालाइन हाइड्रोलाइज करें सोप फॉर्मेशन होती प्रोसेस को कहुच्छे सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ गला फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए आम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर देखिए नेक्स्ट मेथड यहाँ लिखे मुझे प्रोसेसटा
बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टरटा जब आम रिडक्शन करा हाइड्रोजन जब एड करें कौन से अल्कोहल प्रोड्यूस हो पार आ रिड्यूसिंग एजेंट कौन निया था सोडियम एंड अल्कोहल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट निया था जिन देख अभी ईस्टर इथरी जदि रिडक्शन करिया माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट कौन निया एने सी टू एच फाइव ओ एच ताले प्रोड्यूस हम कौन ये देख ए पार्टा गोटे अल्कोहल हम आईटा गोटे अल्कोहल हम तो आर सी एच टू OH अल्कोहल आटा रहा कौन जे आर डेस ओ एच ये गोटे अल्कोहल है तो टू मॉलिक्यूल सब कौन जे अल्कोहल ही प्रोड्यूस हम इस्टोटे आम रिड्यूस करें अल्कोहल प्रोड्यूस हम जब इक्वेशन टा बैलेंस करा चार्टा हाइड्रोजेन अच्छी तो फोर मल्टीप्लाई करदे मुझे सपोज सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ना सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव इथाइल एसीटेट जी ने इथाइल एसीटेट एथरे जदि रिडक्शन करिया सोडियम अल्कोहल डिग्री ताले प्रोड्यूस हम कौन ए पार्टा गोटे अल्कोहल हम सी एच थ्री दुटा कार्बन अच्छी ना तो दुटा कार्बन अल्कोहल माने इथाइल अल्कोहल प्लस एटा गोटे अल्कोहल ये दुटा कार्बन मैंने इथाइल अल्कोहल हम सी टू एच फाइव ओ एच इथाइल अल्कोहल तो टू मॉलिक्यूल सब कौन जी अल्कोहल प्रोड्यूस हम ए प्रोसेस कौन कह बोवेलेंट ब्लैंक्स रिडक्शन मन रखते ये गोटे नेम रिएक्शन जदि ईस्टर को आम सोडियम एंड अल्कोहल दे रिड्यूस करा से प्रोसेस कह बोवेलेंट ब्लैंक्स रिडक्शन सरला यहाँ हूँ कौन सेकेंड मेथड बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर है लास्ट आ गोटे प्रोसेस अच्छे ईस्टर आम प्रिपेयर कर पारिया बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नेट्स रिएजेंट जब ईस्टर में आम ग्रिग्नेट्स रिएजेंट जब एड करा भी से कौन जी फॉर्मेशन नहीं पार अल्कोहल तो ये प्रोसेसटा मुझे लिखो by the action of Grignard's reagent. Grignard's reagent रो general formula होची RMgX आम आगु भी किसी reactions लिखी चाहते Grignard's reagent यूज करी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल reagent मुझे कही organic reagent तो यदि ईस्टर आम Grignard's reagent add कर followed by hydrolysis ताले आम alcohol prepare कर पारिया देखो ईस्टर रो जनरल फॉर्मूला मुझे कही आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप रो गोटे साइड अल्काइल लगी आ गोटे साइड कौन अल्कोक्सी ग्रुप लगी तो बट फर्स्ट मेंबर रे कौन हो जो ये अल्काइल न लगे कौन हम हाइड्रोजन लगे बाकी से साइड गोटे अल्काइल लगे बट फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शन हो कौन जे एज लेफ्ट हैंड साइड ये हाइड्रोजन रही तापर नेक्स्ट मेंबर गुटा कौन अल्काइल ग्रुप अल्काइल चेन गुटा लगे बट फर्स्ट मेंबर रे हाइड्रोजन रही आपको कौन कहा इड़ाला इथाइल कॉमन नेम वाला इथाइल फॉर्मेट गोटे कार्बन अच्छी फॉर्मेट इथाइल फॉर्मेट मिथाइल लगे मिथाइल फॉर्मेट हम तो जब इथाइल फॉर्मेट को नेबी मुस्टर जब नेबी मु इथाइल फॉर्मेट एच से कंपाउंड टाइम सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव इथाइल फॉर्मेट नेली ए ग्रिग्नेट्स रिएजेंट ऐड करी सी एच थ्री एम जि आई नेली मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एटा है इथाइल फॉर्मेट ए ग्रिग्नेट्स रिएजेंट जी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड तो इन प्रेजेन्स ये फर्स्ट कौन हम ए दुटा ऐड हम ए गोटे एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन हम
एडा ला नेगेटिव पार्ट आर एडा गला कौन से पॉजिटिव पार्ट तो ऑब्वियसली का मिथाइल ग्रुप डासी को ऐड होबे कार्बन ऐड होबो आ MgI डासी आसी ऑक्सीजन ऐड होबो तो डबल बॉन्ड ता भांगी सिंगल बॉन्ड इज यू तो फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड ता CH C ऊपर रे लाइड CH3 एडे तळवे अछि CH3 नाही सॉरी OC2H5 एडे ला ओ MgI एडा ला एडिशन प्रोडक्ट आकु फर्दर जदि कोन करया थरे ये डिकम्पोज होबो एडा अनस्टेबल प्रोडक्ट ये अगेन आथरे डिकम्पोज हेगरी जो कंपाउंड नेक्स्ट कंपाउंड ता फॉर्मेशन होबो एड बाहर जे OC2H5 आ एडा बाहर याला MgI ताले कोन आला जेडे बे CH3 CH3 एडा कोन बाहर याला OC2H5 आ MgI माने कोन बजे Mg जो प्रोडक्ट बाहर लम से लिख दो छी Mg OC2H5 I एडा बाहर गेला माइनस लेक्स माने कोन एडा रिलीज हेला तो ए कार्बन ऑक्सीजन इतरे कोन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इज यो तो CH3 C डबल बॉन्ड O आ हाइड्रोजन डा हाइड्रोजन एति गेला हेला कोन जेडे एसिटाइल डिहाइड हेला एसिटाइल डिहाइड आकु जदि अगेन आउथरे ए एसिटाइल डिहाइड रे अगेन जदि कोन दबा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जिन मदेले CH3 Mg आई मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड अगेन देले तले कोन अब बे मिथाइल ग्रुप डा से को ऐड हो हम आगरु करचंदी एल्डिहाइड सहित ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करिकि अल्कोहल प्रिपेयर भी करचंदी तो मिथाइल ग्रुप डा से कार्बन ऐड हो MgI पार्ट जाकर को ऑक्सीजन ऐड हो डबल बॉन्ड ता भांगी एड कोन अब जेंदी सिंगल बॉन्ड इज यू तो फॉर्मेशन ला कोन सित्रे सिमरी CH3 C सिंगल बॉन्ड O MgI H आउ CH3 हेन दिसला एडा एडक्ट प्रोडक्ट ता हला ना आकु जदि फर्दर आमे हाइड्रोलिसिस करिया एसिड हाइड्रोलिसिस करिया हाइड्रोलिसिस से तो करथले ना जो एडिशन प्रोडक्ट आस्तला तो फॉर्मेशन कोन अबे कार्बन रे दिडा मिथाइल ग्रुप लाइसी दिडा मिथाइल मु लगे देली CH3 CH3 ए दिडा मिथाइल लगे देले आउ रहला कोन दिडा मिथाइल लगला पर एडा MgI डा बाहर जियो वाटर रे कोन अबे जे H+ आउ OH- भीतर ये प्रोटॉन डा एक्सेप्ट करे ऑक्सीजन डा तो CH3 CH OH बाहर गला कोड आउ Mg OH I Mg OH I एडा ला कोन जे बाहर ला जे बाय प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन ला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एडा ला कोन जे में स्टोर प्रिपेयर करिया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करी अल्कोहल प्रिपेयर करिया सपोज मु मिथाइल एसिटेट नेली CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 मिथाइल एसिटेट रे मु ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करी मिथाइल एसिटेट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट न्यू CH3 MgBr ने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट आसियो कोन हो सेम सिंदी मिथाइल ग्रुप डासी कार्बन ऐड हो MgBr टासी ऑक्सीजन ऐड हो डबल बॉन्ड टा भांगी सिंगल बॉन्ड हो तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आसे कोन हो एडे CH3 C ऊपर रे लाइड CH3 हेड रेला OC2H5 हेड रेला Mg OMgBr सिंगल बॉन्ड OMgBr एति तो रेला नेक्स्ट एडा द अनस्टेबल ये अगेन डिकम्पोज होबो तो Mg OC2H5 बाहर जियो MgBr बाहर हेले Mg OC2H5 Br ये बाहर हेला तो कोन रहला बे CH3 CH3 रहला एडा डबल बॉन्ड हे जियो ए कार्बन ऑक्सीजन भीतर कोन बेडे डबल बॉन्ड हे जियो ताले एसीटोन प्रोड्यूस हेला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एडा प्रोड्यूस हला कोन जे एसीटोन ए एसीटोन रे अगेन जदी कोन करिया हम आउथरे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दबा एसीटोन रे अगेन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दबा तो CH3 Mg Br मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देले तो कोन हबो मिथाइल ग्रुप टा सी ऐड हबो कार्बन रे MgBr टा सी ऑक्सीजन ऐड हबो डबल बॉन्ड भांगे कोन हे जेडी सिंगल बॉन्ड हे जियो तो नेक्स्ट जो ग्रुप कंपाउंड आसीओ CH3 C O Mg I O Mg I MgBr सॉरी
एम जि बी आर रहा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री आपको पुणी आती हाइड्रोलिसिस करिया पुणी हाइड्रोलिसिस कले एसिड हाइड्रोलिसिस करिया जदि एडे हबो कोन होबे सी एच थ्री सी तीन टा अल्काइल ग्रुप अछि तीन टा अल्काइल ग्रुप में लिखदेली सी एच थ्री सी एच थ्री एम जि बी आर टा बाहर जो ये कौन करे ऑक्सीजन टा वाटर रो प्रोटन एक्सेप्ट करे मुझे नेगेटिव कहिथली तो ओ एच हेला सेटा ओ एच ग्रुप हला आ बाहर गला कोडा जे एडे एम जि ओ एच बी आर आसला कौन ये टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल सरला तो ये प्रोसेस रे कौन जाए ईस्टर रु अल्कोहल प्रिपेयर कर पारिया फर्स्ट ईस्टर रे ग्रिग्नेट सीजन एड करिया गोटे एडिशन प्रोडक्ट आसो से कौन जे से एडिशन कंपाउंड अनस्टेबल से डिकम्पोज होकर आल्डिहाइड्स किंवा कीटोन फॉर्मेशन करी ताको फर्दर आउ थे कौन करें ग्रिग्नेट सीजन देकर जब हाइड्रोलिसिस करिया ताले अल्कोहल प्रोड्यूस हम तो ये प्रोसेस रे जनरली आम कौन जे सेकेंडरी और टर्सियरी अल्कोहल प्रिपेयर कर पारिया एटा सरला ईस्टर रु प्रिपेरेसन नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए प्रिपरेशन फ्रॉम एमाइन प्राइमरी एमाइन चार नंबर प्रिपरेशन पूरा सरला चार नंबर तीन टा मेथड आम देख लिया नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखुची यहाँ लिखो ये पार्टा नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइन पांच नंबर अमाइन रो प्रिपरेशन रे देखो जदि प्राइमरी अमाइन नवा एटा प्राइमरी अमाइन डा प्राइमरी अमाइन के आइडेंटिफाई करियो मु कहिथिली जदि नाइट्रोजन पाखे दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अच्छे नाइट्रोजन पाखे दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अच्छे तेल सी कौन जो गोटे प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी अमाइन रे जदि आम नाइट्रस एसीड दबा एच एन ओ टू ना नाइट्रस एसीड तो आम डायरेक्ट दे पारे ना कौन करा एन एन ओ टू एंड एच सी एल कंबाइन फॉर्म नाइट्रस एसीड प्रोड्यूस हम तो एन एन ओ टू प्लस एच सी एल लिखिदेली मैडम फॉर्मेशन हम कौन ये आर ओ एच अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन एंड वाटर अल्कोहल नाइट्रोजन एंड वाटर देख एम हो आर एन एच टू अच्छे ना आर एन एच टू से नाइट्रस एसीड दे एच ओ एच ओ एन ओ नाइट्रस एसीड तो ये पार्टा बाहरी एटा अल्कोहल है नाइट्रोजन है वाटर हो गला हला ना सेंदे होची इन मन रख पारियो जेंदी इथाइल अमाइन देबे सपोज सी एच थ्री सी एच टू एम एच टू इथाइल अमाइन नेले इथाइल अमाइन रे नाइट्रस एसिड दबा इन प्रेजेंस ऑफ एनएनओ टू सॉरी एनएनओ टू एंड एचसीएल कंबाइंड नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन होची तो फॉर्मेशन हम कौन ये सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथाइल अल्कोहल हम सी एच थ्री सी एच टू ओ एच पार्टा एड है प्लस एन टू नाइट्रोजन एंड वाटर यहाँ तो कांस्टेंट बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन एंड वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट हम एम कौन जे आम प्राइमेरी अमाइन रु प्रिपेयर कर अल्कोहल इफ प्राइमेरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इट फॉर्म्स अल्कोहल एलॉन्ग विथ द बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन एंड वाटर सरला अमाइन रु गोटे प्रिपेरेसन ही नेक्स्ट प्रिपेरेसन देखिए प्रिपेरेसन फ्रम एसीड एंड एसीड डेरीवेटिवस प्रिपेरेसन फ्रम एसीड एंड एसीड डेरीवेटिवस देखिए यहाँ लिखो ये प्रोसेसटा
छः नंबर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक एसिड माने कौन है जे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आउ तार डेरिवेटिव्स गुड़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड रो जनरल फॉर्मूला होची कौन जे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओएच, एटाला कार्बोक्सिलिक एसिडटा एसिडटा। आर डेरिवेटिव माने कौन एडे एडो जदी कौन करया जे हाइड्रोजन सॉरी ओएच ग्रुपटा बाहर करया, ओएच ग्रुप डी बाहर करी मु डिफरेंट कौन करी ग्रुप गुडा जदी ऐड करी क्लोरीन हालोजेन डी एनी गुडा हालोजेन डी कि नले एमिनो ग्रुप जदी ऐड करली और ओआर ग्रुप डी ऐड करले और कोई परियो इन डिफरेंट ग्रुप गुडा जदी मैं ऐड करी ताले एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ फॉर्मेशन हे परियो। एसिड एनहाइड्रेट भी कोई परियो आर सी ओ ग्रुप, आर सी ओ ग्रुप सी ओ आर एम कौन जे डिफरेंट जदी ग्रुप गुडा मुझे ऐड करी ताले फॉर्मेशन हबो एसिड डेरिवेटिव कहउची। जिंदी कार्बोक्सिलिक एसिड रे ए हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डा बाहर करी क्लोरीन ऐड करली ताले एसिड क्लोराइड हबो आ कहउची कौन जे एसिड क्लोराइड। सिन जदी एमिनो ग्रुप डे जदी मैं ऐड करी ताले हबो कौन जे आर सी डबल बॉन्ड ओ एनएच2, आर सी डबल बॉन्ड ओ एनएच2 एडा हला कौन जे एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। सिन जदी अल्कोक्सी ग्रुप डे ऐड करी ताले फॉर्मेशन हबो कौन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एडा हला कौन जे ईस्टर। सिन सी ओ आर ए ग्रुप डे जदी ऐड करी ताले आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर सॉरी एडा सी ओ ओ आर ग्रुप डा इन लिख दो छी ओ सी ओ आर ओ सी ओ आर ए ग्रुप डा। ये हला एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड एमती कौन जी बुझाऊँ डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव गुड़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड रो जदि हाइड्रोक्सिल पार्टा बाहर करी ए कौन करी क्लोरीन आइटम ऐड कली गोटे ताले आपको एसिड क्लोराइड कहुच्छे जो गोटे कौन जी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव कराले से कौन कहुच्छे डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स। सेमती एनएच टू एमिनो ग्रुप जब ऐड कली एसिड अमाइड हम अल्कोक्सी ग्रुप द्वारा जब डिराइव कौन डिस्प्लेस कले तो ईस्टर कहुच्छे आउ जदि कार्बोक्सिल ग्रुप द्वारा जब ये कली अल्काइल कार्बोक्सिल ग्रुप द्वारा ताले कहब एसिड एनहाइड्राइड कह। तो ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स गुड़ा जब किसी आम हाइड्रो रिडक्शन करिया जब ताले फॉर्मेशन हम कौन जे अल्कोहल फॉर्मेशन हो पार। देखो से पृथ्वी कौन करिया आम कार्बोक्सिलिक एसिड किंबा एसिड डेरिवेटिव जब कौन करिया आम रिडक्शन करिया ताले फॉर्मेशन हम अल्कोहल। एजा नोट कर दे एसिड डेरिवेटिव गुड़ा मन रख दे चार्टा एसिड डेरिवेटिव्स हाँ एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ए आर सी ओ ग्रुप इन भी लिखाई थे एसिड आर सी ओ ट्वाइस ओ गोटे आगे एसिड एनहाइड्रेट आर सी ओ ट्वाइस ओ एटा आर सी ओ ग्रुपटा एटा आर सी ओ ग्रुपटा आर सी ओ ट्वाइस ओ इन भी लिखाई थे एसिड एनहाइड्रेट। तो इक्वेशन लिखिए तार प्रिपरेशन रिडक्शन मेथड लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से फर्स्ट नेबी मु एसिटिक एसिड ने सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड ने कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ने कौन से मेम्बर मु एसिटिक एसिड ने एटा कॉमन नेम डा एसिटिक एसिड आर आईपीएससी नेम होची कौन इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। तो फॉर्मेशन कौन भितरे आपको रिडक्शन माने कौन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट कौन दिया होची एल आई ए एल एच फोर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड निया होची एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो फॉर्मेशन हम सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एच टू इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर एटे हाइड्रोजन के अच्छे तीन एक चार पांचटा अच्छे तीन दुई पाँच छः दुई आठटा अच्छे तीन दुई पाँच छः दुई आठ ये तीन एक चार पाँच चार ये फोर ये कर दियो ना नहीं
बैलेंस है हाइड्रोजन एखे एक्टा सेकंड एक्टा सेम सेम जदि एसिड क्लोराइड नेबी मु सपोज सी एस थ्री सी ओ सी एल एसिड क्लोराइड रे हाइड्रोजन देवी रिडक्शन करिया एसिड क्लोराइड आना कौन से कमन नेमटा हो रहा एसिटाइल क्लोराइड देखो कमन नेम आईपीएससी नेम है कम लिखुच कंपाउंड टे मन रखे थर कंपाउंड नेम गुटा टे मन रखापी ट्राए कर जब तुम लिखिले प्राक्ट करेंगे कंपाउंड नेम जहाँ मन रही इक्वेशन लिखला बेल सब कंपाउंड नाटा तले लिखुद जिते तुम लिखिले कि प्राक्ट कर कंपाउंड ना जाए ऑटोमेटिक कौन जहाँ पे मन रही कहीं आईपीएससी नेम तुम जान प्राय सब जार अकॉर्डिंग कौन से रूल्स हिसाब से तुम करदेव बट कमन नेम गुड़ा किसी मन रखा पड़ता है तो ये कंपाउंड ना हो एसिटाइल क्लोराइड आर आईपीएससी नेम तो जान इथानॉइल क्लोराइड हम आईपीएससी नेम तो आपको जब रिडक्शन करिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रही फॉर्मेशन कौन हो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इथाइल अल्कोहल हाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो बैलेंस कर दिया सेम सिंधी तीन दुई पाँच एक छः सतटा अच्छे एक नहीं फोर बैलेंस कर दिले सेम जदि एसिटिक एनहाइड्राइड भी ना आम सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस ओ एसिड एनहाइड्राइडा एसिटिक एनहाइड्राइड आनाडा कमन नेम ना यार एसिटिक एनहाइड्राइड आईपीएससी नेम इथानोइक एनहाइड्राइड भी कहो आपको जब आम रिडक्शन करिया ताले कौन फॉर्मेशन हम ए सी एच थ्री सीओ ये जो फॉर्मेशन हम कंपाउंडटा से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आसो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल आसो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ये तो दुटा कार्बन अच्छे ना तो दुटा कार्बन अल्कोहल आसला टू इथाइल मॉलिक्यूल आसो इथाइल अल्कोहल आउ बाय प्रोडक्ट हम वाटर एच टू बैलेंस कर दिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक कैसे आन दुणी छः बाकी सब तो बैलेंस अच्छे हाइड्रोजन खाली बैलेंस कर ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं हो तो तीन दुणी छः चार दस दुई बार दुई चौद चौदा हाइड्रोजन अच्छी तेल ये छाला तीन दुणी छाला छे बाकी रही के टेन टेन हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कत दुई एक तीन टा ऑक्सीजन टू एक थ्री बैलेंस अच्छे तो टेन आइटम्स ऑफ जब कौन कर हाइड्रोजन ये करें तो फॉर्मेशन ही हो एच टू बैलेंस है देखते प्रॉपर्ली तीन दुण छह दस षोल छह चार दस दुई बार दुई चौदह सॉरी एट मल्टीप्लाई कर दिले हो सरला ये है कौन जी बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स तीन टा मेथड पढ़ले आज नेक्स्ट क्लास रे दुटा मेथड रही अदर दुटा मेथड मुझे कहीदेवी नेक्स्ट क्लास रे टिल देन ये भल भाव प्राक्ट कर दो थैंक यू।